हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रोहन और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डॉग लाइसेंस कि अगर आप मुंबई में हो और आपको डॉग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बता दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं, बट उसके पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ सो दैट यू विल बी अपडेटेड विद माई लेटेस्ट वीडियोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको आपके ब्राउज़र में आना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्री रिक्विजिट क्या है, पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ब्राउज़र में आके आप सर्च कर सकते हो कि BMC डॉग लाइसेंस ऑनलाइन कर दीजिएगा, बेटर हो जाएगा। डॉग लाइसेंस ऑनलाइन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ही ऑप्शन आया है, एप्लीकेशन फॉर डॉग लाइसेंस, वेलकम टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। आपको यही देखना है, पोर्टल भी यही होना चाहिए, portal.municipalcorporationofgreatermumbai। ओके, इसको ओपन कीजिएगा। आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाते हो BMC के साइट पे और वहाँ पे आपको फॉर्म सामने आ जाता है। सी एज यू कैन सी यहाँ पे फॉर्म आ गया है और इसका रीज़न भी क्या है कि आपको डॉग लाइसेंस क्यों चाहिए, तो ये भी आपके सामने है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर टैक्स ऑन डॉग्स अंडर सेक्शन 191A ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 अमेंडमेंट ऑफ 1962। ओके, इसी के अंडर हम बात करेंगे, ये बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ओके, सो एज यू कैन सी अभी फॉर्म मेरे सामने आ गया है। फॉर्म में आपको रिस्पेक्टिव डिटेल्स भरने हैं, जैसे कैटेगरी एप्लीकेशन हुआ, हम लोग इंडिविजुअल करेंगे क्योंकि हम खुद के डॉग के लिए कर रहे हैं। आपका जो भी वार्ड है BMC वार्ड, उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। आपका नाम, यहाँ पे एज यू कैन सी नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ ओनर दोनों भी दिया हुआ है। सो अगर आप खुद के डॉग के लिए कर रहे हो तो दोनों सेक्शन में खुद का नाम आ जाएगा। अगर मैं किसी और के डॉग के लिए करके दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मेरा नाम डाल सकता हूँ और यहाँ पर ओनर का नाम डाल सकता हूँ। फिर यहाँ पर आपका बेसिक रेसिडेंशियल डिटेल्स आपको देने हैं। मेक श्योर कि आप आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ करेक्ट दें सो दैट कुछ प्रॉब्लम ना हो। आधार कार्ड कंपलसरी बताया गया है, वोटर्स कार्ड भी कंपलसरी बताया गया है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही रहेगा कि फील्ड्स मार्क विद स्टार आर मैंडेटरी, मतलब वो तो भरने ही हैं फील्ड्स। ये पूरा डॉग का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। एज यू कैन सी यहाँ पे नोट लिखी हुई है कि वैक्सीनेशन डेट का फॉर्मेट DDMMYY होना चाहिए, डेट मंथ और ईयर में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। ये वैक्सीनेशंस 12 महीने वन ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए, उसके पहले ही होने चाहिए वैक्सीनेशन पेपर्स अपने। और फिर मेक श्योर कि आपके पास जो भी वैक्सीनेशन है उसका स्कैन कॉपी आपके पास रहे। साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 MB या 2 MB से कम ही होना चाहिए वो साइज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का। जैसे कि मैंने बताया था कि ये डॉग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपका डॉग कुछ KCR रजिस्टर ऐसा कुछ होना ज़रूरी नहीं है, पर डॉग के फ़ोटोज़ और डॉग का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे आप देख सकते हो कि रेबीज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर लेप्टोस्पायरोसिस मांग रहे हैं और एड्रेस प्रूफ आपका मांग रहे हैं। ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है। ये स्कैंड कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। सिंपली अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड बटन दबा देना है। ओके, यहाँ पे चूज़ करने के बाद और ये सेक्शन में आते हैं। अभी ये डॉग के बारे में है, डॉग का नाम, कौन सा ब्रीड है। अगर ब्रीड आपको यहाँ पे आपका ब्रीड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ब्रीड मेंशन कर सकते हो। फिर बाकी कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क है या नहीं है आप लिख सकते हो कि ऐसा कुछ पैच है, ये है, वो है, कुछ अलग आपको लगे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है। जैसे हम अपने लिए भी कुछ फॉर्म्स में होता है, फॉर ह्यूमन के रिलेटेड अपन कुछ फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी होता है कि कुछ बर्थ मार्क है या कुछ है आपके बॉडी पे, तो हम लोग मेंशन करते हैं। ये सेम वैसे ही है, कलर, एज वगैरह सब मेंशन करो। डॉक्टर का नाम यहाँ पे आ रहा है, ये डॉक्टर का VCIMS VC और रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, वेट से पूछ सकते हो। मेक श्योर कि वो नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो मेक श्योर कि आप सिर्फ उसमें से नंबर ही यहाँ पे इनपुट कीजिएगा, अल्फ़ाबेट्स इनपुट मत कीजिएगा। सो ये ले लेगा
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वैक्सीनेशन का ये सब डिटेल्स जो है, ये जो भी डिटेल्स है जैसे कि यहाँ पे वैक्सीन, डेट ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन, डेट ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस वैक्सीनेशन जो भी है, ये आपको सब वेट से पूछना है। अकॉर्डिंग टू मी जो भी अपना नॉर्मल वैक्सीनेशन होते हैं उसमें ये कवर रहता है, तो वो आपको वेट आपके बता देंगे कि यही है सर्टिफिकेट, ये चल जाएगा या कुछ, तो वही आपको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ये कुछ वहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, आई गेस ये भी सिलेक्टिंग वन या मेक्स अदर सिलेक्शन एज वेल, तो ये आपको करना है जैसे भी जो भी है। सो दिस इज इट, इतना ही फॉर्म है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड मेकिंग इट ऑनलाइन इज सेविंग यूर लॉट ऑफ टाइम, तो यही आपको करना है। सब होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ऑन अ वेरी नेक्स्ट पेज आपके डिटेल्स भी पूछा जाएगा फॉर पेमेंट का डिटेल्स, कुछ 100, 200, 300 कुछ फीस है, मुझे ठीक से पता नहीं है पर 100 है आई गेस, ठीक है। ये जैसे आप पेमेंट करते हो आपका नेक्स्ट पेज पे आपका डॉग लाइसेंस आ जाता है कंटिन्यू के बाद, और डॉग लाइसेंस आने के बाद यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ इट। सो दिस इज इट, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इनका ऑनलाइन का भी, मैंने ऑफलाइन का भी एक वीडियो डाला हुआ था वो भी बहुत सिंपल है, और ये ऑनलाइन का वीडियो अभी डाल रहा हूँ। सो आपको ये यूज़फुल हो जाए, आई होप एवरीवन कैन यूज़ इट, सबके लिए इजी और यूज़फुल हो जाए, इट विल सेव एवरीवन्स टाइम। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में पूछो, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको जवाब सही से दूँ। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे, दिस इज़ इट फॉर टुडेज ब्लॉग। Please like my video, please share my video to as many as people so that everyone can get it, सबको पता चले ये कैसा easy process है, and like करो, subscribe करो, please share करो, thank you very much, love you friends, adios।